ओके स्टूडेंट्स, जे मेंस 2019 अप्रैल मंथ में जो पेपर हुआ था 9 अप्रैल को, उसकी मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यदि परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x की एक जीवा का एक छोर 1.4 है तो इस नाभि जीवा की लंबाई क्या है। इसका सोल्यूशन देखो, इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले आप वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, इसी और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। सो कंप्राइज इज वाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से हम इसकी तुलना करते हैं तो 4a इज इक्वल टू 16, देन 4a इज इक्वल टू 16 एंड a इज इक्वल टू 4, इट्स मीन इसकी जो नाभि हुई वो कितनी होगी, 4.0 होगी। अब इसमें दिया गया है कि एक नाभि जीवा की एक छोर 1.4 है, मतलब इसका 1.4 एक छोर यहाँ पर है 1.4, लेट्स पॉइंट पी हमने डाल दिया इसमें, और इसकी नाभि जो जीवा होगी वो इस तरीके से होगी, ठीक है, नाभि जीवा इस तरीके से होगी। तो आपके सामने इसको सपोज कर लो हमने एस दे दिया, तो पी एस, जो पी एस की लंबाई क्या होगी, मतलब ये प्रवणता काम करेगा तो पी एस की जो प्रवणता हो जाएगी कितनी हो जाएगी, पी एस की प्रवणता ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन 0-4 अपॉन 4-1 इज इक्वल टू -4/3, इट्स मीन इट इज़ योर टेन थीटा इज इक्वल टू -4/3, देन कॉट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, -3/4। एंड यू नो वेरी वेल, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो लंबाई है नाभि जीवा की जो लंबाई है जिसका हमने नाम दे दिया पी एम, नाभि जीवा की लंबाई इज इक्वल टू कितनी होती है, 4a cosec स्क्वायर अल्फा, cosec स्क्वायर अल्फा या cos स्क्वायर थीटा, तो इज इक्वल टू 4a इंटू cos स्क्वायर थीटा इज अ 1+ cot स्क्वायर थीटा, देन 4a a इज व्हाट, a इज अ 64 इंटू 1+ cot स्क्वायर थीटा, cot इज दिस मीन्स -3/4, तो स्क्वायर करेंगे देन विल बी 9/16, 16+1 9 25, 25/16 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 25/16, 16 कैंसिल इज इक्वल 25, इट्स मीन आंसर इज द 25, इट्स मीन फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राइट।